Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss on the remaining portion from this chapter, and the name of the chapter is our surrounding. Okay, and this is the fourth video related to this chapter. In previous video we discussed that we already discussed about the habitat and type of habitat. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टाइप ऑफ हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से हम लोगों का फर्स्ट टाइप ऑफ हैबिटेट में हम लोगों ने डिस्कस किया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ठीक है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड, फॉरेस्ट हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट्स. ओके, लॉट्स ऑफ हैबिटेट्स वी ऑलरेडी डिस्कस, एंड द एनिमल्स विच आर बिलोंग टू दैट हैबिटेट ऑल्सो, अबाउट दैट एनिमल्स ऑल्सो वी already discuss ki what type of the features, special features, what type of the special features should have that animals due to they what survive in that type of habitat. Agar wo special features animals mein na rahe to us tarah ke habitat mein wo kya nahi kar payenge, survive nahi kar payenge. To ye pichle video mein hum logo ne about the terrestrial habitat ke bare mein discuss kiya. आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक्वाटिक हैबिटेट है क्या एक्चुअल में. ठीक है, तो यहां पे एक्वाटिक शब्द जो है वह शुरू हुआ है एक्वा. ठीक है, एक्वा, एक्वाटिक का जो शब्द है एक्वा, ठीक है, जो आप यहां पे देख पा रहे होंगे एक्वा, इट मीन्स वाटर. ठीक है, एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर, इसीलिए इसको वाटर में रहने वाले, ठीक है, एनिमल्स को हम लोग एक्वाटिक एनिमल्स भी कहते हैं. और जहां पे वाटर हो, ठीक है, जो वाटर हो जिसमें क्या हो करे, मतलब वाटर बॉडीज जो है जिस, ठीक है, वाटर बॉडीज जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वाटिक हैबिटेट कहेंगे. ठीक है, सो एक्वाटिक हैबिटेट मींस और इंक्लूड वाटर बॉडीज लाइक लेक, जानते ही आप लोग, ठीक है, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशंस, ये जितने भी हैं दे ऑल आर belong to the what, aquatic habitat. अब ये aquatic habitat जो है दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक हो गए आपके क्या, फ्रेश वाटर, और एक हो गया आपका सॉल्टी वाटर. जैसे हमारे नेचर में यू नो डैट अर्थ पे जो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे 75% जो पूरा हमारा जो एथी है, ठीक है, अर्थ है, जैसे आप लोग लोअर क्लास से भी पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, ये जो पूरा हमारा अर्थ को हम लोग जो एक स्पेयर मानते हैं, ठीक है, उसमें से तीन तिहाई यानी लगभग ये पूरा, ठीक है, आउट ऑफ फोर पार्ट थ्री पार्ट क्या है आपका, टोटली वाटर से फिल है. ठीक है, यानी टोटली वाटर है, दैट मींस आउट ऑफ 100% 75% हमारा क्या है, अर्थ जो है वाटर है, वाटर से ढका हुआ है, ठीक है, कवर है. ओनली 25% हमारा क्या है, लैंड है. अब ये 75% वाटर होने के बावजूद भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि पीने योग्य पानी जो है हमारे पास सिर्फ 2% ही है. ठीक है, वो भी बहुत सारे क्या हो गए हैं, आइस फॉर्म में है, चाहे क्या है आपके रिवर लेक फॉर्म में है. ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है 0.8% ही हम लोगों के पीने योग्य है. ठीक है, तो इतना पानी होने के बावजूद तो बाकी पानी किस एथी में है, ठीक है, तो वो है सॉल्ट फॉर्म में, जो कि सी और ओशन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. तो जितने भी सी हैं, ओशन से, वहां का जो भी वाटर है वो क्या होता है, सॉल्टी होता है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल सॉल्ट उसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं. ठीक है, जो कि पीने योग्य नहीं है. तो इसीलिए अर्थ जो है दो तरह के एक्वाटिक हैबिटेट में क्या किया गया है, हमारे टोटल अर्थ के दो भाग में बांटा गया है एक्वाटिक हैबिटेट को, एक सॉल्ट वाटर और एक क्या है आपका फ्रेश वाटर. तो सॉल्ट वाटर को मराइन वाटर भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ. अब सॉल्ट वाटर में आप देख सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में एक्वाटिक हैबिट्स जो है टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक हो गया आपका फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, जिसमें आपके क्या क्या आते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स एंड क्या आते हैं, रिवर्स आते हैं. तो इसके बारे में तो आप लोग देखे ही हैं, ठीक है, लेक भी देखे हैं, पॉन्ड्स, पोखरा वोखरा भी देखे हैं आप लोग, ठीक है, रिवर, नदी वदी भी देखे हैं. उसी तरह नाउ सॉल्ट वाटर हैबिटेट में क्या होता है, सी एंड ओशियन. ठीक है,
समुंदर और महासागर, ठीक है, ये दो चीजें आप लोग देखे होंगे। जैसे सी के तौर पे हम लोग अगर एग्जाम्पल दें तो बे ऑफ बंगाल आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जो हमारे बांग्लादेश और वो क्या कहते हैं हमारा जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उसके ठीक नीचे जो आप लोग ओडिशा के उस साइड में जो दिखाई देता है वो पूरा जो सी है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल है। उसी तरह हम लोगों के वेस्ट में भी आपका एक क्या है, सी है, अरबियन सी के नाम से जाना जाता है। इंडिया एक क्या है, पेनासुला है, ठीक है, जो कि तीनों तरफ से क्या हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट, अब ये जो फ्रेश वाटर जैसे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहां पे ये आपका क्या हो गया, सी वाटर हो गया, ठीक है। देखिए यहां पे वेल ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया वेल, सी वेल, ठीक है। उसी तरह यहां पे बहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही है आपके, सी सॉल्ट वाटर हैबिटेट के बारे में, ठीक है। यहां पे डाइवर्स जो है, ठीक है, गोताखोर जिसको कहते हैं, ठीक है, ये लोग इसमें क्या हुए हैं, अंदर जाके, ठीक है, ये पूरे सीज के बारे में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह आप दूसरा एक एग्जांपल हम दिखाते हैं फोटो, जो कि फ्रेश वाटर, ये का क्या हो गया, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, ठीक है, कोई फ्लोटिंग प्लांट है, कोई अंडरग्राउंड प्लांट है, सॉरी अंडर वाटर प्लांट है, ठीक है, कोई फ्लोटिंग प्लांट है, ये सब चीज आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में बोथ प्लांट एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, उसी तरह एक्वाटिक में भी, सॉरी सॉल्टी वाटर जो है, सॉल्ट वाटर हैबिटेट में भी आपके प्लांट एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, दोनों में ही आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स क्रिएचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये लोटस आपको दिखाई दे रहा होगा। नाउ अब एक एक हैबिटेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्रेश वाटर हैबिटेट, ठीक है, क्या है और उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं और वो कौन सा स्पेशल फीचर जो है जिसके कारण वो उस हैबिटेट में क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। अगर वो इस तरह के स्पेशल फीचर अगर उनके बॉडी में ना हो तो वो पर्टिकुलर हैबिटेट में क्या नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि फ्रेश वाटर हैबिटेट तो ऑलरेडी नो डैट क्या है, आपके एग्जाम्पल्स में पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं एंड रिवर्स हैं, ठीक है। जो एनिमल्स जैसे लाइक एनिमल्स में आपके फिश एंड क्या है, फ्रॉग, ये दो चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपके फ्रेश वाटर के यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सीप फिश और किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फ्रॉग्स के बारे में, जो कि फाउंड इन सच टाइप ऑफ हैबिटेट, कॉमन कॉमन है, ठीक है, कॉमन एनिमल्स है, ठीक है, जो कि एक्वाटिक हैबिटेट में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। Now let's discuss the features of some aquatic animals, okay, and plants that are adapted to live in the fresh water. अब हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, उस plant और animals जो कि aquatic life में aquatic body में क्या करते हैं, survive करते हैं, तो ऐसा कौन सा adaptive features जो है जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं, वहां पे survive कर पाते हैं, ठीक है। तो before discussing थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिश, ठीक है, किस तरह से है, उसी तरह यहाँ पे एक फ्रॉग है, ठीक है, दीज आर द कॉमन एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, कॉमन एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव, अब क्या क्या फीचर है, तो पहले हम लोग फिश के एडेप्टिव फीचर्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि फिश के बॉडी में ऐसा कौन कौन सा एडेप्टिव फीचर है जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपना एक्वाटिक लाइफ में वो क्या कर पाते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में वो क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो पहला है, दे हैव अ एयर ब्लडर, उन लोगों में क्या होता है, एयर ब्लडर होता है, तो ये सभी लोग देखे होंगे, ठीक है। अगर आप फिश के शौकीन हैं, फिश खाते हैं, ठीक है, तो जब उसको काटा जाता है तो उसमें से व्हाइट एयर बैलून जैसा उसमें क्या होता है, पाया जाता है, जैसे ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर्स का व्हाइट बैलून जैसा उसमें पाया जाता है जब उसके पेट को काटा जाता है, तो ठीक है, तो वही चीज जो है ये क्या है, एयर ब्लडर है, यही क्या है इसका, एयर ब्लडर है, ठीक है, क्या है, एयर ब्लडर, ये क्या है इसका, एयर ब्लडर है।
ये इसलिए होता है कि वो क्या कर सके, उसके बॉडी को लाइट कर सके, क्योंकि एयर जो होता है जहां पे एयर कैविटी प्रोड्यूस हो जाता है, जहां पे जिस कैविटी में एयर रहता है वो क्या हो जाते हैं, बॉडी लाइट हो जाते हैं। तो ये बॉडी को लाइट करने के लिए, हल्का करने के लिए, ठीक है। तो एयर के फिश के बॉडी में ये एयर ब्लडर पाया जाता है टू मेक देम व्हाट, लाइटर, हल्का बनाने के लिए, जिसके कारण दे कैन इजीली क्या कर सके, स्विम कर सके, फ्लोट कर सकते, ठीक है, फ्लोट कर सके इन वाटर में। क्योंकि अगर वाटर, जैसे आप लोग पढ़े हैं डेंसिटी के बारे में, वाटर का डेंसिटी, ठीक है, अगर वाटर का डेंसिटी किसी सब्सटेंस से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, जैसे वाटर का डेंसिटी, कहने का मतलब जो सब्सटेंस का डेंसिटी है, ठीक है, जो सब्सटेंस का डेंसिटी है वाटर के डेंसिटी से ज्यादा हो जाता है, सब्सटेंस का डेंसिटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, डूब जाता है, सिंक हो जाता है। अगर सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर से कम हो जाए तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है, क्या करता है, फ्लोट करता है। तो वही चीज, ठीक है, यहां पे फिश के बॉडी को क्या करने के लिए, फिश के बॉडी को लाइटर करने के लिए, ठीक है, डेंसिटी उसको कम करने के लिए उसके बॉडी में क्या पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, उसके बॉडी में क्या पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, पानी के अंदर फ्लोट कर सकता है, क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, ठीक है, सिंक नहीं होता है। तो ये एक एडिटिव फीचर्स है उसके बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है कि उनके बॉडी जो होता है स्ट्रीमलाइंड होता है, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड शेप के उसके बॉडी होते हैं, जिसके कारण, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, पानी में आसानी से क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, यानी जो वाटर करंट होता है, ठीक है, वाटर करंट यानी जो पानी का बहाव है उसको भी वो क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं, ठीक है। तब स्ट्रीमलाइंड जो शेप है वो किसको कहते हैं, तो इस तरह का जो शेप होता है, ठीक है, इस तरह का जो शेप होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे इसको हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, देखिए इस तरह का जो शेप होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे फिश का आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, देखिए यहां पे फिश, ये शेप है आपका, देखिए इस तरह के शेप को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन, ये शेप, ठीक है, दिस शेप। तो ये शेप को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। अब इसी शेप के कारण, ठीक है, ये जितने भी पानी का जो क्या होता है, फ्लो होता है, करंट होता है, जो पानी बहता है, ठीक है, जो पानी का बहाव है उसको ये क्या कर पाता है, आसानी से ओवरटेक कर लेता है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ये, पानी के ऑपोजिट जिस तरफ से पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में भी ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। दैट मीन्स पानी का जो रेजिस्टेंस फोर्स है उस पर इसका फोर्स असर नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी बात, इनमें क्या होता है, फिन्स, ये देखिए इसको कहते हैं फिन्स, ठीक है, ये फिन्स से ये क्या करते हैं, एबल टू क्या है, फिन्स विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। फिन्स जो है इन लोगों को क्या करता है, पानी में स्विम करने में मदद करता है। एक तो ये स्ट्रीमलाइन शेप, साथ साथ है इसका क्या, फिन्स और ये टेल्स, ठीक है, ये सभी जो है इसको पानी में आसानी से क्या करने में, स्विम करने में मदद करता है। और ये फिन्स का काम क्या होता है, टू चेंज दी डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है, ठीक है। ये जो फिन्स होता है इनको डायरेक्शन चेंज करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि देयर बॉडी हैव अ स्ट्रीमलाइन एंड दे हैव अ फिन्स, एक तो स्ट्रीमलाइन हो गया, दूसरा फिन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण विच एनेबल, ठीक है, देम टू स्विम इन वाटर, पानी में आसानी से वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दे यूज गिल्स, सॉरी दे यूज ऑक्सीजन, ठीक है, दे यूज ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, फॉर ब्रीदिंग, यानी वो लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, पानी में पहले से ही क्या रहता है, डिजॉल्व रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में डिजॉल्व रहते हैं। तो वहां के जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, जैसे एनिमल्स है, तो एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए फॉर द रेस्पिरेशन, दैट मीन्स ब्रीदिंग, ठीक है। तो वो पानी के अंदर का जितने भी ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो अब फिश जो है एक तरह का एनिमल्स है, ठीक है, तो हर एक एनिमल्स का ब्रीदिंग ऑर्गेन जो होता है अलग अलग होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन जो होता है अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों का क्या है, लंग्स, ठीक है, तो नोज के मदद से हम लोग क्या करते हैं,
रेस्पायर करते हैं, ठीक है, लंग्स जो हम लोगों के शरीर में पाया जाता है, तो लंग्स के मदद से हम क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। लेकिन ये जो हो गए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए हो गए, ठीक है, लेकिन जो पानी में रह रहे हैं तो क्या वो लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं? नहीं, ठीक है, अलग ऑर्गेन होता है। तो मोस्टली पानी में क्या पाया जाता है, फिश, तो फिश में क्या लंग्स होता है? तो नहीं, फिश में क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। तो गिल्स के मदद से फिश क्या करता है, अपना क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फेंकता है। अब वो कैसे करता है, ठीक है, तो पहले तो वो पानी में जो डीजल ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, पानी को मुंह में, ठीक है, मुंह से अंदर लेता है और उसके पास जो कनपट के सामने गिल्स होता है उसके थ्रू उसको पास करता है। तो गिल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड कनेक्टेड कैपिलरीज होते हैं। वो कैपिलरीज क्या करता है, उस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स करके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी भेजता है, और फिर वहां से जो ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो वाटर जो है क्या हो जाता है, फिर बाहर निकल जाता है गिल्स से, ठीक है। तो दे यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीदिंग एंड दे हैव व्हाट, गिल्स ऑन देयर बॉडी विच हेल्प देम टू एक्सचेंज गैसेस। उनके बॉडी में क्या होता है, गिल्स होता है जो हेल्प करता है उसके एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड फिर पानी में छोड़ना, ठीक है, इन द वाटर। नाउ नेक्स्ट, अ फिश कैन नॉट टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। दूसरी बात, फिश जो है क्या नहीं कर सकता है, ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकता है। जैसे हम लोग डायरेक्टली एयर से क्या कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास लंग्स हैं। तो फिश के पास क्या नहीं होता है, लंग्स नहीं होता है, इसीलिए वो क्या नहीं कर पाता है, डायरेक्टली जो है ऑक्सीजन एयर से नहीं ले पाता है। यानी जिस एनिमल्स के पास लंग्स होगा वही एनिमल्स क्या कर पाएगा, एयर से डायरेक्ट क्या कर पाएगा, ऑक्सीजन को ले पाएगा, ठीक है। उसी तरह फिश में ये नहीं है, लेकिन फिश जो है पानी में जो ऑक्सीजन है उसको आसानी से क्या कर लेता है, ले लेता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अब गिल्स कैसा होता है वो हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अब हम लोग भी अगर पानी में जाएंगे तो वी कैन नॉट सर्वाइव देयर, और वी कैन नॉट यूज द ऑक्सीजन विच आर प्रेजेंट इन द वाटर इन द डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है। हम लोग अगर पानी के अंदर जाएंगे तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है डिजॉल्व फॉर्म में उसको फिर हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, गिल्स नहीं है, जो कि मछली के पास है लेकिन हम लोगों के पास नहीं है, इसीलिए हम लोग वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का उसका स्पेशल, यानी वो पानी में रह रहा है, डेट मीन्स उसके पास वो स्पेशल फीचर है। हम लोग टेरेस्ट्रियल में रह रहे हैं तो हम लोगों के पास टेरेस्ट्रियल का स्पेशल फीचर है, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि मछली को जब पानी से निकाल देते हैं तो मछली तड़प तड़प के क्या हो जाती है, मर जाती है। तो बहुत आप लोग गाना भी देखे होंगे, सुने होंगे, मछली जल की रानी है, ठीक है, उंगली डालो जल क्या है, डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, गाना सुने होंगे। तो वही चीज है, बाहर निकालो मर जाती है, क्यों मर जाती है, तो वो ऑक्सीजन जो है ब्रीदिंग के लिए क्या नहीं कर पाती है, डायरेक्ट एयर से नहीं ले पाती है, क्यों, क्योंकि उसके शरीर में क्या नहीं होता है, लंग्स नहीं होता है, ठीक है। नाउ तो वही चीज यहां पे दिया है कि दे डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट एडिटिव फीचर उन लोगों में क्या है, देयर बॉडीज आर कवर्ड विद स्केल। उनके बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, चोइया होते हैं, स्केल होते हैं, ठीक है, एंड म्यूकस, म्यूकस मतलब स्लीपी टाइप ऑफ फ्लूइड, स्लीपी टच करने पे क्या हो जाए, चिकनाहट टाइप का तरल पदार्थ उसके शरीर पे क्या होता है, लगा रहता है, ठीक है, विच मेक्स देम व्हाट, वाटर प्रूफ, जिसके कारण उसका बॉडी जो है एक तरह का वाटर प्रूफ हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई चीज पानी में कंटिन्यू रहता है, ठीक है, तो उस बॉडी को वो क्या कर देता है, डिके करना शुरू कर देता है। तो अब फिश जो है होल लाइफ वो अपना क्या करती है, पानी में ही रहती है, तो उसका बॉडी क्यों नहीं डीके करता है, तो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके ओरिजिनल जो बॉडी है उस बॉडी के ऊपर क्या है, उसका स्किन के तौर पे स्केल है, आ स्केल के बावजूद उसके बॉडी पे और एक तरह का क्या है, म्यूकस का लेयर है, ठीक है, जो उसको क्या करता है, वाटर को जो है बॉडी से टच होने नहीं देता है, यानी वो वाटर को
बॉडी से क्या करता है, दूर रखता है। दैट मींस वो स्केल जो है एक तरह का वाटर क्या करता है प्रूफ की क्या करता है वाटर रोधक यानी पानी रोधक क्या करता है एबिलिटी दिखाता है। ठीक है, तो अभी अब आप लोगों को हम बोले थे कि गिल्स कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग गिल्स यहां पे, ये मछली। ठीक है, मछली के कनपट को ऐसे उठाइएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को रेड रेड स्ट्रक्चर उसके कनपट के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, यही है गिल्स, ये क्या है गिल्स है। ठीक है, जब मछली पानी में रहती है तो मुंह से पानी लेती है। ठीक है, यहां से पानी लेगी, उसके बाद से ये पानी जो है यहां पे आएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जितने भी हैं वो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन जो है क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ये गिल्स क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, गिल्स जो है इसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और ऑब्जॉर्ब करने के बाद ये जो जितने भी ये रेड कलर दिखाई दे रहे हैं इसमें फाइन कैपिलरीज ट्यूब होता है। कैपिलरीज क्या है, तो ब्लड वेसल से, फाइन ब्लड वेसल से। ठीक है, जिसमें खून रहता है। ठीक है, वो ब्लड क्या होता है, कैपिलरीज जो है ये इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लड के अंदर यू नो डैट क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन होते हैं, जो कि क्या करते हैं ऑक्सीजन को क्या करते हैं कैरी करते हैं, बाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद ब्लड जहां जहां फ्लो होगा तहां तहां वो ऑक्सीजन पहुंचेगा। दैट मींस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल, हर एक सेल में, बॉडी के हर एक पार्ट के सेल्स में क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद से यही है स्केल। देखिए आप लोग फिश के शरीर में इस तरह का, ठीक है, जैसे आप लोग मछली खरीदते हैं तो मछली काटने वाला क्या करता है, एक तरह का कांटेदार होता है ब्रश, उसे चर 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 करके ये चोइयां निकालता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्केल। और जब मछली को आप पकड़िएगा, ठीक है, तो उसके शरीर को जब टच कीजिएगा तो एक तरह का क्या होता है स्लीपी टाइप ऑफ, चिकनाहट टाइप का एक तरह का क्या होता है फ्लूइड उसके शरीर पे सटा होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। ठीक है, यही दो चीज उसको क्या करता है वाटरप्रूफ बनाता है। ठीक है, नाउ तो दीज आर द एडेप्टिव फीचर्स। ठीक है, एडेप्टिव फीचर्स, दीज आर द एडेप्टिव फीचर्स विच मेक्स द फिश सर्वाइव, विच मेक द फिश एबल टू सर्वाइव इन द What? Aquatic habitat. Which type of aquatic habitat? तो fresh water aquatic habitat. यही features उन लोगों को fresh water habitat में क्या करता है survive कराने का क्या करता है कर सकते हैं, इसी features के कारण वो survive हो सकते हैं। ठीक है, now next animals के तौर पे देखे तो we already discussed that about the frog. Frog is a one of the common what? एनिमल्स प्रेजेंट इन दी एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, तो उसके भी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लें एडिटिव फीचर्स के बारे में देख लें। ठीक है, तो जैसे कि पहला एडिटिव फीचर क्या है, इट हैज अ वेबडेड फीट, वेबडेड फीट होता है। ठीक है, अब वेबडेड फीट फीट क्या है, तो इस तरह के फीट को हम लोग क्या कहते हैं वेब्ड। देखिए वेबडेड फीट यानी फीट जो है एक उंगली दूसरे उंगली से सटा हो, एक पतले से मेम्ब्रेन से। ठीक है, इस तरह के फीट को हम लोग क्या कहते हैं वेबडेड फीट। अब ये मदद करता है, ये होने के कारण आप आसानी से ये क्या कर लेते हैं पानी में स्विम कर लेते हैं पानी को काटने के लिए। ठीक है, अब हम लोगों के उंगली में क्या है, देखिए गैप है, ये सटा नहीं है, तो हम लोग पानी में हाथ डालते हैं तो पानी इधर से निकल जाता है, पानी को हम लोग पुश बैक नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी को आप जितना पुश बैक कीजिएगा पानी आपको आगे की तरफ क्या करेगा मूव करेगा, जिसके कारण आप आसानी से क्या कर सकते हैं तैर सकते हैं। तो ये फ्रॉग जो होते हैं, फ्रॉग के टो जितने भी हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं सटे होते हैं, तो उसको कहते हैं वेबडेड फीट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं वेबडेड फीट, जिसके कारण टू स्विम, ठीक है, टू स्विम इन वाटर, वो पानी में स्विम कर सकते हैं, एंड होप ऑन द लैंड, दूसरी बात जमीन पे क्या कर सकते हैं जंप कर सकते हैं, होप कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू दैट नेक्स्ट इट हैज अ मॉइस्ट स्किन, इन लोगों का स्किन जो होता है मॉइस्ट होता है, हमेशा देखने पे लगता है कि पानी में भीगा ही है, नमी हमेशा उनके स्किन पे रहता है। ठीक है, दैट हेल्प देम टू ब्रीथ इन
water by absorbing dissolved oxygen in water and ठीक है longs to breathe on the land. अब frog ऐसा animals है, ठीक है ये fact है, frog ऐसा animals है, वैसे आप लोग higher classes में पढ़िएगा, ठीक है और भी ज्यादा details में. frog ऐसा animals है जो कि पानी में भी रह सकता है और land पे भी रह सकता है. तो लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे जो एनिमल्स पानी में रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है उस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियन. क्या कहते हैं, एम्फीबियन. यानी एम्फीबियन आर दोस ठीक है विच कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, उस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियन. तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन आपका क्या है, फ्रॉग है. ठीक है तो फ्रॉग जो है पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी. तो इससे पहले जब हम लोग फिश के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको हम लोगों ने आपको हमने बताया था कि पानी में रहने के लिए क्या होना चाहिए, गिल्स, और जमीन पे रहने के लिए क्या होना चाहिए, तो लंग्स. तो इस फ्रॉग में जमीन पे जब रहता है ठीक है तो इसके पास ऑलरेडी लंग्स बॉडी के अंदर क्या होता है, हम लोगों की तरह लंग्स होता है. तो उसी लॉन्ग से ये क्या करता है, जब जमीन पे रहता है दैट मींस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहता है तो वो ऑक्सीजन जो है ठीक है एयर से डायरेक्ट ले लेता है. लेकिन जब पानी में जाता है तो इसके पास क्या नहीं है, गिल्स, मछली की तरह नहीं है. ठीक है इसके पास मछली की तरह क्या नहीं है, गिल्स नहीं है. तो फिर सर्वाइव कैसे करता है, तो इसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इसका बॉडी जो होता है क्या होता है, मॉइस्ट होता है. स्किन जो होता है इसका मॉइस्ट होता है, जिसके कारण जब उसके ऊपर पानी ठीक है टच होता है तो मॉइस्ट पन के कारण उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो मॉइस्ट स्किन उसका क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके ब्रीदिंग में उसको क्या करता है, हेल्प करता है. तो इस तरह जो फ्रॉग जो है बोथ वाटर में भी सर्वाइव कर पाता है और लैंड पे भी सर्वाइव कर पाता है. यानी वाटर में भी आसानी से वो ब्रीदिंग कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन ठीक है, और जमीन पे भी वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स. दैट्स व्हाई फ्रॉग्स कम्स अंडर व्हाट, एम्फीबियन. फ्रॉग्स जो है किस कैटेगरी में आता है, एम्फीबियन कैटेगरी में आता है. ठीक है अंडरस्टैंड नाउ. और एक फैक्ट ये भी है कि फ्रॉग का जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं, बेबी फ्रॉग, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टैडपोल. क्या कहते हैं, टैडपोल. टैडपोल जो होता है सिमिलर टू फिश, जैसे फिश के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसी तरह के टैडपोल होते हैं. ठीक है वैसे बेबी स्टेज में टैडपोल इस तरह का होता है. इस टैडपोल का गिल्स होता है, फिर इस टैडपोल का क्या होता है, गिल्स होता है. जैसे ये टैडपोल्स क्या होते हैं, एडल्ट होते जाते हैं और ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं, टोटल बॉडी शेप इसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. यानी दिखने में फिश की तरह रहता है छोटे में, जैसे ही ये एडल्ट होते जाता है अचानक इसके बॉडी में टोटल चेंजेस आ जाता है, टोटली एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है फ्रॉग. ठीक है तो वहां पे उसके बॉडी से वो गायब हो जाता है. ठीक है नेक्स्ट, इट हैज स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स. यानी हम लोगों के पास क्या होते हैं, दो तरह के लिम्ब्स होते हैं, एक फोर लिम्ब्स और एक हिंड लिम्ब्स. ठीक है तो उसी तरह ये जो फ्रॉग का जो पिछले वाला नीचे वाला पीछे वाला जो हिंड लिम्ब्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है. ठीक है जिसके कारण वो आसानी से लैंड पे क्या कर सकता है, कूद सकता है. ठीक है कूद कूद के वो जो उसके अपना शिकार है उसको आसानी से क्या कर सकता है, पकड़ सकता है. ठीक है यानी प्रे मीन्स शिकार, उस शिकार को आसानी से ये क्या कर सकता है, कैच कर सकता है. ठीक है तो आपको दिखा दें थोड़ा सा, देखिए ये आप हिंड लेग्स इसको कहते हैं. ठीक है पीछे वाले को, इसका देखिए बॉडी आपका मॉइस्ट पानी की तरह दिख रहा है, अभी भी इस पे क्या है, पानी जैसा दिख रहा है. ठीक है तो ये मॉइस्ट चमक रहा है देखिए, तो इसी को कहते हैं मॉइस्ट स्किन. ठीक है अब उसके बाद से ये देखिए उस कैसे वो इंसेक्ट को पकड़ता है. एक और बात, जैसे ये टोंग के बारे, इसके टोंग में भी क्या होता है, खासियत होता है. ठीक है जैसे हम लोगों का टोंग जो है अंदर से क्या है, यहां पे फिक्स है, यहां से बाहर से ये क्या है, क्या है, फ्री है. लेकिन फ्रॉग का क्या होता है, यहां से
यहाँ पे क्या होता है, चिपका होता है, फिक्स होता है, और भीतर से ये क्या होता है, फ्री होता है। तो ये अपने शिकार को ऐसे पकड़ता है, यानी ये पूरे इसका टोंग जो है बाहर की तरफ निकाल सकता है, फ्लिप कर सकता है, बाहर की तरफ फ्लिप कर सकता है। ठीक है, इस तरह का क्या होता है इसके टोंग का खासियत होता है, जो आसानी से अगर इतने दूर भी कोई इंसेक्ट हो तो इसको फ्लिक करके यहां से ये पकड़ के फिर वापस कर सकता है। दैट मीन्स इसका टोंग यहां से अटैच रहता है और ये अंदर क्या रहता है, फ्री रहता है। और हम लोगों का जो है अंदर अटैच रहता है और यहां फ्री रहता है। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, फ्रॉग में फीचर्स होते हैं। तो दिस ऑल आर द एडेप्टिव फीचर्स, ठीक है, जिसके कारण जो है फ्रॉग चाहे फिश एक्वाटिक हैबिटेट में क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज जो हो गया अबाउट द एनिमल्स। अब एक हम लोग प्लांट्स के बारे में भी देख लें कि प्लांट में ऐसा क्या फीचर पाया जाता है जिसके कारण वो एक्वाटिक लाइफ में क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो नाउ एक्वाटिक प्लांट यानी डेफिनेशन है एक्वाटिक प्लांट का, एक्वाटिक प्लांट आर दोस प्लांट विच आर फाउंड इन अ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में जो पाए जाते हैं प्लांट है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स। अब इनका फीचर्स क्या है, तो पहला फीचर्स है कि इस तरह के प्लांट्स में बहुत ही कम मात्रा में क्या पाए जाते हैं, रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जड़ जो होता है इस तरह के प्लांट्स में बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, फिक्स वाटर फिक्स प्लांट तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, विच हेल्प देम टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। ठीक है, बहुत ही कम होते हैं लेकिन जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं टू होल्ड, यानी प्लांट को उस प्लेस पे होल्ड करके रखता है। तो रूट का ना काम है एंकर, ठीक है, मजबूती से पकड़ के रखना। आप लोग पढ़े होंगे प्लांट से दो भाग, रूट एंड शूट। जो रूट है अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, और शूट जो होता है ग्राउंड के ऊपर जो दिखाई देता है हम लोगों को उसको शूट कहते हैं। तो रूट का आप लोग फंक्शन लोअर क्लास में पढ़े ही है, ठीक है, कि वो क्या करता है पूरे सूट को क्या करता है, पकड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है सोयल के साथ। ठीक है, तो यहां पे भी वो वही करता है। नेक्स्ट, देयर स्टेम्स जो होते हैं किसके, एक्वाटिक के, लॉन्ग होते हैं, लंबा लंबा, और एक तरह का क्या होता है इस तरह से लंबा होता है, लेकिन दूसरा बात क्या है, होल हॉलो होता है, खोखला अंदर से हॉलो होता है, एंड थीन पतला होता है, जिसके कारण एनेबलिंग देम, ठीक है, टू स्वे विद द फ्लो ऑफ वाटर। थीन होने के कारण, ठीक है, लॉन्ग और थीन होने के कारण फ्लेक्सिबिलिटी इन लोगों में पाई जाती है, जिसके कारण अगर पानी, जैसे ये प्लांट हो गया, पानी इधर से बह के आ रहा है तो ये आसानी से क्या कर सकता है, उस बहाव को झेल सकता है, यानी टूटता नहीं है। ठीक है, ये बेंड हो जाएगा, ठीक है, पानी के बहाव के साथ बेंड हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, तो वो वाटर करेंट को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट, लीव्स आर आइदर फ्लोटिंग, इसके लीव्स जो होते हैं कि तो फ्लोटिंग होते हैं कि तो सबमर्ज्ड होते हैं। फ्लोटिंग मतलब कि तो पानी पे फ्लोट करते हैं या फिर पानी के टोटली अंदर डूबे होते हैं। ठीक है, इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो अब फिगर दिखा के हम समझा देते हैं आपको। जैसे यहां देखिए, आपका दिखाई दे रहा होगा लॉन्ग थीन स्टेम, ये स्टेम हो गया, ये क्या हो गया, स्टेम हो गया, और इसका लीफ जो होता है कुछ पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, देखिए, और कुछ पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। जैसे ये देखिए पानी के अंदर है, ठीक है, ये पानी के अंदर है, यहाँ पे एनिमल्स भी दिखाई दे रहे होंगे, ये टोटल, ठीक है, कुछ प्लांट्स यहाँ पे देखिए जिसके जड़ जो है यहाँ पे पानी में फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स। ये कैरेक्टर्स, ये फीचर्स जो है एक्वाटिक प्लांट्स के पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ अब इसी में कुछ प्लांट्स में आपके क्या आते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग्स होते हैं। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में लोटस, वाटर हाइसिनिथ, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में जलकुमी भी कहते हैं। ठीक है, हैव अ लार्ज फ्लैट लीव्स, ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और इनके लीव्स जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, लोटस के देखे ही होंगे, और साथ साथ वैक्सी कोटिंग, यानी इन लोगों के लीव्स पे क्या होता है, एक तरह का वैक्सी कोटिंग। वैक्सी कोटिंग मतलब एक तरह का क्या होता है,
लेयर पाया जाता है, ठीक है, जो कि पानी को क्या नहीं करने देता है, लीफ के साथ अट्रैक्ट होने नहीं देता है, यानी लीव्स को पानी से बचाता है, क्योंकि अगर पानी में लीव्स कंटिन्यू टच करे सरफेस को, लीव्स के सरफेस को पानी कंटिन्यू टच करेगा तो वो क्या होगा, डिके होगा, तो उसको बचाने के लिए एक तरह का क्या होता है, लेयर पाए जाते हैं, वैक्सी लेयर। तो आप लोग देखे होंगे मोम, वैक्स, वैक्स मतलब मोम, छूते हैं तो आप लोग क्या होता है, सिल्पीनेस, ठीक है, और उसके ऊपर पानी, जैसे हाथ पे मोम रगड़ दिए और उस पर पानी गिराए तो वो पानी क्या हो जाता है, स्लाइड अप आसानी से हो जाता है, यानी पानी को स्किन यानी लीफ के स्किन से क्या नहीं होने देता है, टच होने नहीं देता है, टच होने नहीं देता है, जिसके कारण वो एक तरह का क्या एक्ट करता है, वाटर प्रूफ के एक्ट करता है, ठीक है। एंड प्रिवेंट, अब उसे होने से क्या बचता है, ये प्रिवेंट फ्रॉम डिकेइंग, अगर इस तरह का ना हो तो वो क्या हो जाएगा, क्या लीव्स डिकेइंग करने लगेगा, पानी में सड़ने लगेगा, ठीक है, तो ये वाटरप्रूफ होने के कारण वो सड़ता नहीं है। नेक्स्ट, सबमर्ज्ड प्लांट्स, कुछ टोटली प्लांट्स जो होते हैं पानी में क्या होते हैं, डूबे होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल में हाइड्रेला, ठीक है, बेलिसडेरिया हैव थिन, ये क्या होते हैं, थिन होते हैं, रिबन लाइक इनके लीव्स होते हैं, लीव्स जो होते हैं रिबन लाइक होते हैं, ठीक है, चौड़ा ब्रॉड नहीं होता है जैसे बाकी प्लांट्स के ये हैं, चाहे लोटस के हैं, ठीक है, लोटस के हैं, इस तरह से ब्रॉड फ्लैट नहीं होते, एकदम थिन, ठीक है, इस तरह से रिबन लाइक होते हैं, थिन, दैट कैन बेंड विथ इन दी फ्लोइंग वाटर विदाउट गेटिंग डैमेज। अब इसलिए ये थिन और होते हैं क्यों, क्योंकि वो तो पानी के अंदर रहते हैं, समर्ज रहते हैं, तो पानी का बहाव रहेगा, ठीक है, तो अगर ये चौड़ा रहेंगे तो पानी का बहाव को क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में रोकने की कोशिश करेंगे, चौड़ा रहेगा तो उसको क्या कर सकता है, पानी के बहाव को तो रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो लीव्स क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो इसीलिए इन लोगों के बॉडी में इस तरह का फीचर होता है कि उनका लीव्स जो होता है चौड़ा ना होके एकदम पतला थिन रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कि पानी का बहाव आए तो वो बेंड हो जाए, जिधर इधर है तो इधर बेंड होगा, इधर से पानी का बहाव होगा तो इधर बेंड हो जाएगा आसानी से, ठीक है, अब वो क्या नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का फीचर्स जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। तो देखिए जलकुमी आप लोग देखे होंगे जिसको वाटर हाइसिनिथ कहा जाता है, ठीक है, और ये आपके एक्वाटिक जो सबमर्ज्ड प्लांट है, देखिए रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसी को रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होते हैं। नाउ नेक्स्ट फिगर देखिए, ये आपके क्या हो गया, वेलिसनेरिया, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर का पाया जाता है, ठीक है, तो दीज आर द एक्वाटिक व्हाट प्लांट्स विच प्रेजेंट इन अ फ्रेश वाटर, ठीक है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट वाटर हैबिटेट, तो सॉल्ट वाटर हैबिटेट और आपका फ्रेश वाटर हैबिटेट में डिफरेंस ये है, फ्रेश वाटर क्या नहीं होता है, सॉल्टी नहीं होता है, सॉल्ट वाटर आपका क्या होता है, सॉल्टी होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सॉल्ट वाटर हैबिटेट कहते हैं। तो इसमें जो है स्मॉल प्लांट्स से लेकर लार्ज प्लांट और एनिमल्स, यानी छोटे छोटे क्रिएचर से लेकर बहुत बड़े बड़े क्रिएचर तक इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, यानी छोटा सा प्लांट चाहे एनिमल से लेके बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो वही चीज कहा गया है, स्मॉल प्लांट्स लाइक एल्गी एंड लार्ज प्लांट्स लाइक सीवीड्स भी पाए जाते हैं, आर फाउंड इन सच हैबिटेट्स, और एनिमल्स में भी क्या पाए जाते हैं, फिश, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, स्क्विड्स एंड वेल्स। अब ये वेल्स जो है सबसे बड़े हैं, ठीक है, एक फैक्ट है कि जो वेल्स का जीव होता है आपके जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सबसे बड़े अभी हम लोग जो देखे हैं, ठीक है, वो है हाथी जो प्रेजेंट में है, ठीक है, हाथी, तो जो वेल्स है उसका जो टोंग होता है दैट टोंग का, ठीक है, वेट जो होता है एक हाथी के बराबर होता है, थिंक अबाउट दैट, यानी एडल्ट वेल्स का, तो सोचिए कि वेल्स कितना बड़ा होगा, ठीक है, आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ हैबिटेट्स, इस तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। द एडिटिव फीचर्स, ठीक है, ऑफ सॉल्ट वाटर फिशेस आर क्या क्या हैं,
तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिश का जो है, ठीक है, जो हैबिटेट है, सॉल्ट वाटर हैबिटेट जो फिश है उसका, चाहे आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट के जो फिश है, दोनों का एडिटिव फीचर्स क्या होते हैं, एडेप्टिव फीचर्स जो होते हैं सेम होते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, सेम टाइप्स ऑफ फीचर्स पाए जाते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी इसमें भी होता है, उसमें भी होता है, ठीक है, क्योंकि पानी में ही रहना है फ्लो, ठीक है। उसके बाद से गिल्स इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, स्केल इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मोस्टली ऑल फीचर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नाउ नेक्स्ट, जो एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं वो है व्हेल्स एंड डॉल्फिन। व्हेल्स एंड डॉल्फिन जो है फिश नहीं है, व्हेल्स एंड डॉल्फिन जो है दिखते फिश है लेकिन फिश नहीं है। दे कॉम्स अंडर मैमल्स, हम लोग की तरह, हम लोग भी क्या है, मैमल्स है, ठीक है, मैमल्स है। मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैमल्स उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है, ठीक है, यानी जिसका रिप्रोडक्शन बाय बर्थ करता है, ठीक है, या फिर जिनके बॉडी में क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, या जो एनिमल्स अपने बच्चे को क्या करते हैं, फीड करते हैं, मिल्क फीड करते हैं, यानी दूध पिलाते हैं। जितने भी इस तरह के एनिमल्स हैं दे ऑल कॉम्स अंडर मैमल्स, यानी मैमल्स में उस तरह के एनिमल्स आते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है, इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, तो मैमल्स। अब आप लोग डॉल्फिन एंड व्हेल्स के बारे में क्या जानते हैं, कि फिश है, क्यों, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग आकार भी इनका, शेप भी क्या होता है, लगभग फिश की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन ये फिश नहीं है। उसी तरह एक क्या है आपका, बर्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नहीं कहेंगे, बर्ड नहीं कहेंगे, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर मैमल्स, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो बैट, BAT, बैट, चमगादर, ठीक है, चमगादर जो है बर्ड फैमिली में बिलोंग नहीं करता है, बर्ड नहीं है, वो क्या है आपका, मैमल्स है, वो भी अपने बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है, या फिर अपने बच्चे को वो क्या करता है, दूध पिलाता है, ठीक है, दैट्स वाई दे कॉम्स अंडर मैमल्स, क्लियर। तो अब ये आपको ज्ञान हो गया होगा कि व्हेल्स जो है क्या नहीं है, और डॉल्फिन जो है क्या नहीं है, फिश नहीं है, दे आर नॉट अ फिश, ठीक है, नॉट अ फिश, दे आर व्हाट, मैमल्स, इसलिए मैमल्स है बिकॉज दे गिव बर्थ और दे क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, ठीक है, फीड करते हैं, मिल्क। नाउ दे हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, अब फिश पानी में है तो फिश की तरह बॉडी होना चाहिए क्योंकि उसको तैरना है उसमें, तो पानी जिधर फ्लो कर रहा है उस तरफ भी तैरना है, इसीलिए उसके बॉडी जो होता है क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप का बॉडी होता है। उनमें भी फिन्स पाए जाते हैं, जिस तरह से नॉर्मल क्या है, फिश का फिन्स है जो कि डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है, उसी तरह इनमें भी पाया जाता है, साथ साथ है गिल्स, ठीक है, नॉर्मल फिश में गिल्स पाए जाते हैं लेकिन इनमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं, गिल्स नहीं पाए जाते, मैमल्स हैं, ठीक है, तो मैमल्स में लंग्स होता है, तो उसी तरह इनमें भी क्या होता है, लंग्स होता है। तब लंग्स होता है तो पानी में कैसे ये लोग सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जगह पे आप लोग देखे होंगे कि डॉल्फिन जो होता है समय समय पे पानी के ऊपर छलांग लगाता है, तो आप लोगों को लगता है कि वो कोई करतब दिखा रहा है, ठीक है, तो वो करतब कोई नहीं दिखा रहा है, एक्चुअली पानी के अंदर रहता है तो वो ऑक्सीजन की जब कमी उसको होती है तो वो क्या करता है, पानी के ऊपर जंप लगाता है, जितना ज्यादा जंप लगाएगा बड़ा, ठीक है, उतना ही फ्रेश एयर जो है डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर पानी के अंदर छलांग लगा लेता है, पानी के अंदर चला जाता है, कुछ देर तक रहेगा, फिर जब उसको लगेगा कि ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो रहा है, तो फिर पानी के से बाहर छलांग लगाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये डॉल्फिन और व्हेल्स इसी तरह से करते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन गिल्स हैं नहीं, ठीक है, अब पानी के अंदर रह रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए ही जीने के लिए, तो ये लोग बार बार पानी के ऊपर छलांग लगाते रहते हैं, ठीक है। अब व्हेल जो है उतना भारी है तो वो तो छलांग लगाएगा नहीं, तो वो पानी के सरफेस पे ऊपर आती है, बस उसका हेड पोर्शन क्या दिखता है, पानी के ऊपर
दिखता है, जैसे पनडुब्बी जहाज हो, ठीक है, पानी के अंदर रहता है, पानी से ऊपर आता है जहाज, तो थोड़ा सा उसका बॉडी दिखाई देता है, उसी तरह का ये अपना बॉडी बाहर निकालती है, वो भी कौन सा पोर्शन, तो हेड पोर्शन, उस हेड पोर्शन पे उसका क्या होता है, ब्लो होल होता है, ठीक है, जिसके कारण, जिससे वो क्या करते हैं, पानी ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब करते हैं और फिर पानी के अंदर चले जाते हैं, फिर कुछ देर तक रहेंगे जब तक वो ऑक्सीजन उनका है, ठीक है, और उसके बाद से जैसे वो ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो फिर पानी के सरफेस पे आ जाता है वेल्स, ठीक है, तो गिल्स ना होने के कारण दे ब्रीथ, ठीक है, इन एयर थ्रू ब्लो होल्स विच इज प्रेजेंट ऑन द अपर, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द हेड, इन लोगों के अपर पार्ट ऑफ द हेड में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, दे कीप कॉमिंग, ठीक है, दे कीप कॉमिंग अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ इन एयर, आइए बार बार, ठीक है, दे कीप कॉमिंग अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर में बार बार आते रहते हैं टू ब्रीथ इन एयर, एयर लेने के लिए, ठीक है, यानी डॉल्फिन जंप कर रहा है तो कोई करतब नहीं दिखा रहा है, वो क्या कर रहा है, एयर लेने के लिए आ रहा है, ठीक है, सो दैट दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग, पीना सांस लिए पानी के अंदर रह सके, ठीक है, क्योंकि बाहर आके ऑक्सीजन लेके जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब पानी के अंदर जब आप लोग नदी उदी में गए होंगे नहाने, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बुड़कियां मारते हैं, तो नाक पकड़ के पानी के अंदर एकदम छिप जाते हैं, छिपते हैं ना जी, ठीक है, तो पानी सांस ना लेने के लिए, तो पहले ही हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन करके फिर बुड़कियां मारते हैं, तुरंत निकलते हैं, फिर मारते हैं, ठीक है, तो उसी तरह ये लोग भी क्या करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं और उसके बाद से पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, कब तक, जब तक वो ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए, ठीक है, फिर जैसे ही उन लोगों को लगता है कि अभी ऑक्सीजन खत्म हो गया तो फिर सरफेस पे आ जाते हैं, तो इन दिस वे दे सर्वाइव इन द वाटर बॉडी, ठीक है, उसी तरह आपका क्या है, नेक्स्ट एनिमल्स, सी एनिमोनस, ठीक है, स्टिक टू द रॉक, ये जो होता है एनिमल्स रॉक से चिपका रहता है, क्यों, विद द हेल्प ऑफ देयर सॉकर, उसका जो सॉकर होता है उससे वो चिपका रहता है, ठीक है, बेस, इसलिए कि वो क्या ना हो जाए, वॉश अवे ना हो जाए, पानी का बहाव से वो बह ना जाए, ठीक है, इसीलिए वो पत्थरों के बेस से क्या रहता है, चिपका रहता है, ठीक है, किस कैसा होता है सी एनिमल, तो इस तरह का देखिए दिस, ठीक है, इस सॉकर से ये क्या रहता है, पत्थरों से, ठीक है, बड़े बड़े रॉक के बेस में जाके चिपक के रहता है, ठीक है, उसी तरह आपके क्या होते हैं, तो दूसरा होता है स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, दिस इज द टू अनदर टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड इन द सॉल्ट वाटर हैबिटेट, ठीक है, दे डू नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप, अब ये दो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में, जैसे ज्यादातर एक्वाटिक एनिमल्स के बॉडी क्या होते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप होते हैं, लेकिन इनके नहीं होते हैं, ठीक है, अब ये कैसे दिखते हैं, तो देखिए ये हो गया आपका स्क्विड्स, ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप है नहीं, ठीक है, और दूसरा होता है ऑक्टोपस, दिस इज द ऑक्टोपस, ठीक है, देखिए इसका भी बॉडी क्या नहीं है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, लेकिन जब इनको मूव करना होता है, ठीक है, तो इनको जब मूव करना होता है तो ऑक्टोपस के तो बहुत सारे पैर होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये अपने आप के बॉडी को क्या कर लेता है, स्ट्रीमलाइन शेप में ला लेता है जब मूव करना होता है, नहीं तो इस तरह का होता है, ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दे स्टे, ये लोग कहां पाए जाते हैं, तो नियर द बेड, ठीक है, नियर द सी बेड, सी बेड के नजदीक, यानी सी बेड मतलब समुन्दर का जो निचला थल होता है, ठीक है, वहां पे पाए जाते हैं, एंड कैच द प्रेयर, ये लोग क्या करते हैं, अपना शिकार पकड़ते हैं, दैट मूव्स टुवर्ड्स देम, जो उनके तरफ आते हैं उन्हीं को ये लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं, एंड दे मेक देम एंड दे कैन मेक देयर, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो उन लोग जब उन लोगों को मूव करना होता है तो वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बनाता है, स्ट्रीमलाइन शेप बना लेता है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, पानी में आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इन लोगों में क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है, इन लोगों में गिल्स होता है। नेक्स्ट चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि ऑक्टोपस, ठीक है, और जो स्क्विड्स हैं,
ये लोग को अगर हम लोग पानी से बाहर निकाल देंगे तो इनकी जो बॉडी है, ठीक है, मर तो जाएंगे लेकिन इनकी बॉडी जो है अपने आप क्या होने लगेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग करने लगेंगे, ब्रस्ट होने लगेंगे, इंटरनल ब्रस्टिंग होने लगेगा। वो क्यों? क्योंकि ये जो जिस जगह पे रहते हैं, पानी के जो सी लेवल जहां पे बेड पे पाए जाते हैं, वहां पे पानी का प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसी हिसाब से इनका बॉडी का क्या होता है, बनावट होता है, इंटरनल बॉडी का बनावट जो होता है उस तरह के प्रेशर को क्या करने के लिए, एडजस्ट करने लायक होता है। और जैसे ही हम लोग पानी से इसको अगर बाहर निकाल के सरफेस पे लेके आएंगे, वहां पे प्रेशर टोटली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण इन लोगों का इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है, बॉडी अपने आप ब्रस्टिंग करने लगता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग को सुनकर रोचक लगेगा। तो दिस मच अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में बस यही, इस चैप्टर का मेन उद्देश्य यही था, ठीक है, कि हैबिटेट क्या है, ठीक है। अब कोई भी हैबिटेट में कोई भी आसानी से एनिमल्स चाहे प्लांट्स क्या नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी डेजर्ट हैबिटेट है तो डेजर्ट हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए कुछ फीचर्स अलग चाहिए दूसरे हैबिटेट से, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़े कि कोई भी एनिमल्स किसी भी हैबिटेट में रह रहा है तो समझिए कि कोई ना कोई उसके अंदर स्पेशल एडिटिव फीचर्स है, उसी फीचर्स के मदद से ही वो उस हैबिटेट में क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। अगर वो हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में ले जाएं तो वो एनिमल्स चाहे प्लांट्स क्या नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर सर्वाइव करना होगा तो जो वो हैबिटेट में रह रहे थे उस तरह का फीचर्स जो बॉडी में उनके डेवलप हो गए हैं, तो उस तरह का फीचर, उस तरह का जो हैबिटेट है उसको हमें क्या करना होगा, आर्टिफिशियल हैबिटेट देना होगा, तभी जाके वो क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर लेके, ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर लेके अगले वीडियो में आपके सामने होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।